पता चला कि बिना बोले आतुदेश छोड़ा गया और उसके बाद निहत्तों पर महिलाओं के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई लोग घायल हो गए, कई लोग घायल हो गए, लेकिन वो डर से पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं जा पाए और हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए। वो अपने गांव में ही, जो हम लोग का आदिवासी कल्चर में जो हम लोग का ट्रीटमेंट होता है, वो घर में ही वो ट्रीटमेंट किए। और ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। देखिए, आंदोलन के दिन हम लोग को अरेस्ट नहीं किया गया, आंदोलन के दूसरे दिन सुबह सोए हुए अवस्था में हम लोगों को अरेस्ट किया गया, 19 लोगों को। और ये देखिए, मेरे हाथ में चोट पहुंची है। आंदोलन के दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन मुझे टॉर्चर किया गया पुलिस थाना प्रभारी द्वारा अनंतपुर। और इसमें जो भी लोग साजिश करता है, साजिशकर्ता को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। और वो खुद से, मुझे लगता है कि प्रशासन के लोग ही थे जो इस साजिश में शामिल थे। हमने टारगेट किया कि कुर्मी के आंदोलन को रोका जाए, तोड़ा जाए, इसीलिए ये लाठीचार्ज हुआ। तो मैं इसीलिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसकी उच्च स्तरीय जांच करें और जांच करने के बाद ये पता करें कि कौन थे वो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इसमें साजिश रचा और साजिश कराई के महिलाओं और नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसकी जाँच होनी चाहिए। मैंने देखा जेल के अंदर कि जो समाज को बर्बाद करने के लिए दारू बेच रहा है, नशा बेच रहा है, उसको 7 दिन में 10 दिन में बेल हो रहा है। और हम अपने समाज के आंदोलन में, समाज के डिमांड को लेके, अपने हक अधिकार को लेके जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमें 70 दिन तक जेल में रखा जाता है। हमारे परिवार में, हमारे गांव में एक भाई का माहौल बनाया जाता है ताकि आज के बाद फिर कभी कुर्मी समुदाय इस तरह का आंदोलन ना करें। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये जेएमएम के सत्ताधारी लोग हैं? क्या वो बीजेपी के लोग हैं? या कौन लोग हैं जो इस तरह चाहते हैं कुर्मी की आवाज़ को दबाना? इसका भी न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें शामिल हैं उन पे, जो भी हमारी भारत के संविधान के आधार पर उन पे उनको दंड देना चाहिए या जो भी प्रावधान है उस पे एक्शन लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और जो निहत्तियों पर, और जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास लाठी था, ना हमारे पास कुछ था, वो पुलिस प्रशासन AK-47 लेके, बड़े बड़े लाठी लेके हमारे ऊपर चार्ज किया गया है। तो इसका न्यायिक जांच हो और जब तक ये जांच नहीं होगा तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अब मेरा नौकरी तो चला गया, 70 दिन तक मैं जेल के अंदर था, मेरा जॉब चला गया। अब मेरा नया जॉब है वंचित पीड़ित लोगों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। वो किसी भी समाज का हो, कुर्मी समाज का हो, समाज का हो, संथाल समाज का हो, वो कोई भी झारखंडी समाज का हो, अब उसके सामाजिक न्याय, उस समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मैं पूरे झारखंड में गांव-गांव का भ्रमण करूंगा और सबको जगाऊंगा। और प्रशासन अगर उसमें कुछ गलती करे तो प्रशासन के अगेंस्ट में आंदोलन होगा। अगर कोई और साजिश करता पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है जो इस तरह का साजिश रच रहा है बैकेंड में बैठ के, तो उसके ऊपर एक्शन होगा। और 24 दूर नहीं है, उसका जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर, अभी झारखंड का युवा जाग गया है, कुर्मी युवा जाग गया, हर समाज का युवा जाग गया है। आज मैं न्यूज पेपर में देख रहा था कुछ दिन पहले जेल में, झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। अगर आदिवासियों की सरकार है तो हर आदिवासी समाज क्यों आज रोड में है? क्यों वंचित पीड़ित जितने भी हमारे समाज है वो रोड में क्यों है? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अभी हो समाज का बात देखिए, पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस समाज का है वो हो समाज का है। हो समाज के भाषा को आज तक मान्यता नहीं दिया गया है। कुर्मी समाज का जो 3 मांग है, जो 74 साल पुराना मांग है, कुर्मी जनजाति को संविधान के एसटी सूची में शामिल करना, हमारा जो मातृभाषा है कुड़माली, उस भाषा को संविधान के 9वीं अनुसूची में रखना, और जो हम लोग प्राकृतिक पूजा के, जो जहरा स्थान में हम लोग पूजा करते हैं, सरना थान में पूजा करते हैं, उस धर्म के लिए हम लोग को, सरना धर्म कोड के लिए हम लोग के 3 डिमांड, ये 74-75 साल हो गया आज हम लोग कर रहे हैं, मेरा समाज कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए अब जाग गया है समाज, समाज के युवा जाग गए हैं, अब वो डरेंगे नहीं, अब वो गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे। इन 70 दिनों के अंदर, 19 तारीख से लेके आज टोटल 73 दिन होता है, 70 दिन हम लोग जेल के अंदर कैद थे। इस 70 दिनों के अंदर हमें जो भी अनुभव हुआ है, जो भी हम लोगों ने फील किया है और जो भी हमने देखा है, जेल एक बहुत अलग दुनिया होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेल प्रशासन का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया, सारे वहाँ पर जितने भी कैदी हैं सबका वो सहयोग करते हैं और हमारा भी उन्होंने सहयोग किया। जो भी हम लोगों ने, कोई भी जेल के अंदर विधि व्यवस्था का हम लोगों ने तोड़ा नहीं,
19 साथी हम लोग थे और 19 साथी हम लोग अलग अलग वार्ड में थे, लेकिन किसी ने हमें भी टॉर्चर नहीं किया। ये बात एक और बात झूठ है जो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ मेरे अनुभव से, कि कोई भी आदिवासी समाज कुड़मी जनजाति समाज का विरोध नहीं करता है एसटी में आने के लिए। ये कुछ तथाकथित हमारे आदिवासी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जो दोनों समाज में फुट डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हो समाज कुड़मी समाज का विरोध करे, संथाल समाज कुड़मी समाज का विरोध करे, ये दोनों लड़े और ये ऊपर में अपनी राजनीतिक रोटी सेके। ऐसे कुछ नहीं है। मुझे मेरे जनजाति भाई लोग, हो भाई लोग, संथाल भाई लोग जो जेल में थे, मुझे बुला के मेरे आंदोलन के बारे में पूछते थे और मैं जब उनको सही चीज बताता था तब वो हमारे आंदोलन में बोलते थे कि हम भी आप लोग के साथ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कुड़मी कम्युनिटी के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। अरे भाई, आदिवासी कोई बनता नहीं है, आदिवासी उसके डीएनए में होता है। आदिवासीयत जनजातीयत उसके जन्मजात, जहाँ से वो पैदा होता है, जिस गांव में, जिस मम्मी पापा से, वहां से उसको उस डीएनए में मिलता है। तो ये कुछ जो हमारे आदिवासी लीडर हैं, उनको गलतफहमी है कि कुड़मी समाज के लोग एसटी लिस्ट में शामिल होना चाहते और आदिवासी बनना चाहते। हम लोग आदिवासी बनना नहीं चाहते, हम लोग ऑलरेडी आदिवासी हैं। आप गजेटियर्स देख लीजिए, 1913 का 3 मई का 550 नोटिफिकेशन, शिमला का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो राजपत्र है हम लोग का देश का, उस राज्य बहुत सारे समाज है, उसमें से कुड़मी भी हमारा एक जनजाति समाज है जिसको एबोरिजिनल ट्राइब बोला गया था, आदिम जनजाति उस समय बोला गया था, क्योंकि उस समय शेड्यूल ट्राइब वर्ड संविधान में नहीं था। 6 सितंबर 1950 में हम लोग का शेड्यूल ट्राइब वर्ड अमेंडेंट हुआ संविधान में और 550 शिमला नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली भारत सरकार के उन्हीं 13 कम्युनिटी को इसमें भी लाना था शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन किसी साजिद शेड्यूल ट्राइब से, क्योंकि पहले